हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम जानने वाले, सीखने वाले, देखने वाले, डिस्कस करने वाले अबाउट वेरी आईएमपी टॉपिक के बारे में, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को टच करेंगे और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए रिलेटेड विद दिस टॉपिक ये मैं इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने वाला हूँ। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम समझते हैं कि भाई ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है या फिर है क्या। अभी जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो आप YouTube पे देख रहे हो, YouTube पे जब आप ये मेरा वीडियो प्ले कर रहे हो तो आपने नीचे अगर देखा होगा कुछ और वीडियोस भी होंगे, वहां पे लिखा होगा रिकमेंडेड फॉर यू, बराबर। तो ये वीडियोस आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, कौन रिकमेंड कर रहा है, कहां से रिकमेंड हो रहे हैं, कैसे रिकमेंड हो रहे हैं, यही एक एग्जाम्पल नहीं है। कई सारी ई कॉमर्स साइट्स को उठा के अगर आप देख लो जो कि अपना सेल बढ़ाना चाहती है, वहां पे भी ये रिकमेंडेशन सिस्टम अप्लाई करती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो Amazon की अगर साइट्स पे आप जाओगे तो अगर किसी एक आइटम में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आपने वो आइटम वहां से बाय कर लिया, खरीद लिया, तो उसके बाद जब आप उसी ऐप पे Amazon के साइट पे जब आप वापस जाते हो तो आप जो यूजर हो, आपका जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से सारे के सारे आइटम्स आपको डिस्प्ले में दिखते हैं, रिकमेंडेशंस में दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप जिम में जाते हो, ओके, तो आपने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया जो प्रोटीन पाउडर है वो ऑर्डर कर लिया, ओके। अब वो प्रोटीन पाउडर आपने ऑर्डर किया तो नेक्स्ट टाइम अभी आप जब जाओगे उस साइट पे तो आपको रिकमेंडेशन में उसी प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड कई सारे ब्रांड्स होंगे, कई सारे साइजेस होंगे, कई सारे प्राइजेस होंगे, कई सारे ऑफर्स होंगे, उस प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड आपको सारे रिकमेंडेशन वहां पे दिखेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आइटम्स आपने हिस्ट्री में लाइक किए थे, हिस्ट्री में आपने बाय किए थे, उन्हीं आइटम्स से रिलेटेड जो है वो चीजें आपको अभी यहाँ पे रेकमेंड की जाएंगी ऑन द ऑब्वियसली Amazon वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती, ताकि उनका एक तरीके से सेल बढ़े, बराबर प्रॉफिट बढ़े, ये चीजें वहां पे वो लोग कैरी आउट करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम को इंप्लॉय करते हैं, ठीक है। अभी इसमें दोस्तों दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक है कि भाई रिकमेंडेशन सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए दो टेक्निक है, पहला है कंटेंट बेस्ड और दूसरा है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अब ये कंटेंट बेस्ड का क्या मामला है, सी एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे समझ लो ये यूजर वन है, बराबर। अब इस यूजर वन को कौन सी मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, मूवीज के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस मूवी एज अ एटम। अब ये जो मूवी है यू कैन से एज अ मूवी M1, बराबर। अब ये जो मूवी M1 है इसका जो जॉनर है वो है एडवेंचर जॉनर, बराबर। आपको पता होगा मूवीज के कई सारे जॉनर्स होते हैं, ओके, रोमांटिक, थ्रिलर, हॉरर, यहाँ पे ओके ये है एडवेंचरस। तो अभी इस यूजर ने इस मूवी को देखा और इसने इसको 5 स्टार दिए, मतलब क्या कि भाई ये मूवी इसको बहुत पसंद आ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद आ गई। उसके बाद क्या हुआ, इसने M2 यानी कि दूसरी मूवी देखी और वो भी किस जॉनर की थी, एडवेंचर जॉनर की थी, उसको उसने 4 रेटिंग दिया, मतलब इसके कंपैरिजन में इसको थोड़ी सी कम पसंद आई। लेकिन दोनों में जो कॉमन है, जो सिमिलैरिटी अगर आप देखोगे तो वो है कि दोनों के दोनों मूवीज जो थी किस जॉनर की थी, सेम जॉनर की थी, यानी कि एडवेंचर जॉनर की थी दोनों के दोनों। और दोनों को जो रेटिंग मिली है ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है, 1, 2, 3 ऐसा नहीं, 4 और 5 मिली है, तो मतलब अच्छी खासी रेटिंग मिली है। दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों एडवेंचरस मूवीज थी। तो अभी क्या करता है ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम, अगर हम लोग ये कंटेंट बेस्ड टेक्निक को यूज करें तो यहाँ पे कंटेंट सिमिलैरिटी यानी आइटम सिमिलैरिटी को यहाँ पे मद्देनजर रखा जाता है, आइटम सिमिलैरिटी। तो अगर मैं इन दोनों को एज एटम कंसिडर करूं, ओके, एज मूवीज को, तो अगर मैं तीसरी मूवी अभी अगर मेरी नहीं आई है मार्केट में, एकदम नहीं आई, फ्रेश आई मार्केट में, ठीक है, और इसका जॉनर भी एडवेंचर जॉनर है और ये जो है मूवी मिलती जुलती है इन मूवीज से, इन आइटम से, लेट से इन मूवीज के डायरेक्टर सेम है, इन मूवीज में जिन्होंने एक्टिंग की है वो एक्टर सेम है, इसका जो जॉनर है M3 का, थर्ड मूवी का, इन दोनों से सेम है, मतलब ये भी एडवेंचर जॉनर की मूवी है, बराबर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो उसने प्रीवियस, मतलब पास्ट, इस यूजर ने जो पास्ट हिस्ट्रीज में जो मूवी देखी थी उनको यूज किया, यानी कि प्रीवियस यूजर प्रोफाइल को उन्होंने चेक किया कि भाई इसने कौन कौन से जॉनर की मूवीज देखी थी, क्या क्या देखा था, और अभी जो ये न्यू मार्केट में आई है मूवी, ये फिर मूवी जो है इसका भी जॉनर सेम है। ऐसा हो सकता है कि इसमें जो एक्टर्स है वो भी सेम है, डायरेक्टर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो मूवी है इस यूजर को रेकमेंड करेंगे बेस्ड ऑन कंटेंट सिमिलैरिटी, बेस्ड ऑन आइटम सिमिलैरिटी, बिकॉज उसके जो पास्ट हिस्ट्री में आइटम्स थे और अभी जो मेरा एक्चुअल, अभी जो करंट मेरा आइटम है, जो मेरी अभी नई मूवी आई है, उनमें कई सारी सिमिलैरिटीज है, कंटेंट में कई सारी सिमिलैरिटीज है, तो फिर ये आइटम इसे रेकमेंड किया जाएगा। इस तरीके से आपका कंटेंट बेस्ड रेकमेंडेशन काम करता है। उसके बाद आते हैं एक और तरीके के ऊपर, दैट इज नथिंग बट द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अभी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में
एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास अभी पहले एक यूजर था, अब मैं दो यूजर लाता हूँ, ठीक है, दो यूजर लेके आ गया मैं। अब ये सेपरेट सेपरेट जाते हैं, मूवीज देखते हैं, ठीक है। अब मूवीज कैसे देखते हैं, सी यूजर वन ने देखी मूवी एम वन, कोइंसिडेंटली वही मूवी इसने भी देखी एम वन, बराबर सेम मूवीज दोनों ने देखी, बराबर। उसके बाद इसने देखी मूवी एम टू, इसने भी मूवी देखी एम टू, करेक्ट और नॉट। उसके बाद इसने मूवी देखी एम थ्री, अभी इसने फिलहाल देखी नहीं मूवी, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब इन दोनों ने मूवी एम वन देखी तो दोनों ने इसे क्या दिया है, 5-5 स्टार दिया, बराबर। दोनों ने इसे क्या दिया, 5-5 स्टार दिया। तो ये दोनों यूजर्स ने सेम मूवी देखी और सेम, ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, एग्जैक्टली सेम रेटिंग दिया है उस मूवी को। उसके बाद M2 देखी, इसने 4 रेटिंग दिया, इसने 5 रेटिंग दिया इस मूवी को। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या, दोनों यूजर्स ने सेम मूवी देखी एंड ऑलमोस्ट सेम रेटिंग दी है, मतलब इसे हम हाई रेटिंग कह सकते हैं, लो रेटिंग नहीं। 4 और 5 इज अमंग द हाई रेटिंग विच इज गिवन बाय द यूजर्स टू द मूवी, लो रेटिंग मतलब 1 स्टार 2 स्टार ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर वन जो है मूवी थ्री देखने के लिए चला गया, यूजर थ्री जो है वो मूवी एम थ्री देखने के लिए चला गया। अब उसमें उसने उसको स्टार क्या दिया, 4 दिया, मतलब इसको ये मूवी पसंद आ चुकी है। मतलब अगर ये मूवी इस यूजर को पसंद आ चुकी है, इफ ही हैज लाइक द मूवी, ही हैज गिवन अ गुड स्टार्स टू दैट मूवी, तो इसका मतलब यही मूवी एम थ्री जो अभी तक यूजर टू ने नहीं देखी, ये इसे पसंद आ सकती है। और इसीलिए ये मूवी जो है एम थ्री मूवी, ये हम यूजर टू को रेकमेंड करेंगे। कुछ बात समझ में आई आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे यूजर सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सिमिलर यूजर मेंटेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हुआ क्या, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, हुआ क्या, दोनों ने सेम मूवी देखी, M1 सेम रेटिंग, M2 ऑलमोस्ट सेम रेटिंग, बराबर। और उसके बाद जब M3 देखा, M3 जब इसने देखा तो फिर इट हैज नोटिस कि इसने अच्छी रेटिंग दी, मतलब ये मूवी इसको अच्छी लगी है। तो अभी तक के, मतलब M2 तक के जो पैरामीटर अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम चलते जा रहे हैं, देयर इज अ सिमिलर चॉइस ऑफ द मूवीज इन बिटवीन यूजर वन एंड यूजर टू। तो जब ये M3 देखा इसने, यूजर वन ने, और उसको अच्छी रेटिंग दी, तो इसका सिंपल सा मतलब है अगर U1 यानी यूजर वन को अगर ये पसंद आई M3 मूवी, तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यही M3 मूवी यूजर टू को पसंद आएगी। बिकॉज अभी तक तो जो पैरामीटर चल रहे थे वो सिमिलर चल रहे थे, सिमिलर मेंटेलिटी देखने को मिल रही थी बिटवीन यूजर वन एंड यूजर टू। तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है कि भाई ये M3 हम लोग इसे रेकमेंड करेंगे यूजर टू को, और फिर बाद में वो भी कुछ ना कुछ उसको रेटिंग देगा विच विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू द रेटिंग विच इज बीन गिवन बाय द यूजर वन। दिस इज व्हाट द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हमने सिंपल सी बात नोटिस की होगी, कंटेंट बेस में हम क्या करते हैं, कंटेंट सिमिलैरिटी को देखते हैं, आइटम सिमिलैरिटी को देखते हैं, बराबर। और यहाँ पे जो हम देखते हैं वो यूजर सिमिलैरिटी, सिमिलर यूजर मेंटेलिटी को देखते हैं, उनकी जो चॉइस है यूजर्स की उसको देखते हैं, करेक्ट और नॉट, और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर को ये वाली पर्टिकुलर मूवी हम लोगों ने रेकमेंड करनी चाहिए, बराबर। तो आई होप दोस्तों काफी आसान तरीके से जनरलाइज एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको रेकमेंडेशन सिस्टम और उसकी टेक्निक समझ में आ गई होंगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। एग्जाम काफी नजदीक आ रही है, थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।